दूं कि मारवाड़ जोधपुर के लिए जो जिस पे ऑलरेडी हम जर्नी कवर कर चुके हैं, एक जाती है अजमेर अहमदाबाद। सॉरी गाइस, बहुत बड़ी गलती हो गई क्योंकि मतलब हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है महेश और आपके कहने पर एक और फिर से जयपुर अहमदाबाद रूट की जर्नी के लिए हम निकल रहे हैं। पीछे आप देख लीजिए, जयपुर रेलवे स्टेशन हम आ चुके हैं। आज हमारी जर्नी होने वाली है ग्वालियर अहमदाबाद सुपरफास्ट स्पेशल एक्सप्रेस में, जिसके ट्रेन नंबर है 02247। ये वीक में 3 दिन ग्वालियर से अहमदाबाद के बीच चलती है, पर आज हमारी जर्नी होगी जयपुर से अहमदाबाद तक। आपको ये जयपुर से ट्रेन मिलेगी संडे, मंडे और थर्सडे को। यदि मैं इसकी टाइमिंग की बात करूँ तो ये ट्रेन जयपुर से चलती है रात के 2:15 पर और आपको अहमदाबाद पहुँचाएगी दोपहर के 12:20 पर। हम इस ट्रेन से जर्नी कवर करने वाले हैं 625 किलोमीटर का, और 625 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में हमें समय लग रहा है 10:05 का। इस ट्रेन की एवरेज स्पीड होती है 61 किलोमीटर पर आवर और इस ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड होती है 110 किलोमीटर पर आवर। आज हमारी जर्नी होने वाली है जनरल कोच में। आप देख रहे हो रेलवे स्टेशन पर आप एंट्री करेंगे जनरल कोच में। आपको पता है आज कितनी मेहनत लगने वाली है गाइज। वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो नया हो सब्सक्राइब कीजिए पहले, और वीडियो को जितना हो शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं समय समय पर आपको इस रूट की अपडेट भी देता रहता हूँ और जर्नी भी कराता रहता हूँ। तो लाइक कर देना, और अभी तक लाइक नहीं किया तो किस चीज़ का इंतज़ार है, कर दो। तो इतना हम चलते हैं रेलवे स्टेशन के अंदर। गाइस, हम आ चुके हैं रेलवे स्टेशन के अंदर और आप देख सकते हो पीछे हमारी ट्रेन लग चुकी है, क्योंकि थोड़ा बिफोर टाइम आ चुकी है ये ट्रेन, तो इस कारण से अब इसमें पानी वानी फिल किया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि ये ट्रेन है ना दो रेक के साथ चलती है। पहली जो 3 दिन चलती है ग्वालियर से अहमदाबाद तक, और 4 दिन जाती है आगरा कैंट से अहमदाबाद तक। टाइमिंग बिल्कुल सेम है, वो भी ट्रेन जो आगरा कैंट से और अहमदाबाद तक जाएगी वो आपको जयपुर से सेम टाइम से चलती है 2:15 पर, और ये भी 2:15 पर जयपुर से रवाना होती है। टाइमिंग सेम है दोनों की, ये 3 दिन चलेगी ग्वालियर से अहमदाबाद तक और 4 दिन चलेगी आगरा कैंट से और अहमदाबाद तक। और आपको पता है इसको रिसेंटली इलेक्ट्रिक लो को दिया गया है अजमेर तक, तो आपको दिखाएंगे अजमेर में इलेक्ट्रिक लो को जब चेंज होगा। गाइस, आपको मैं पहले ही बता देता हूँ फिर से कि हमारी 6 महीने बाद अहमदाबाद के लिए जर्नी हो रही है। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिलते रहें। गाइस, वीडियो को लाइक कर देना, काफ़ी मेहनत लगने वाली है। गाइस, काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है, अभी तो रात है, आपको पता है जब मॉर्निंग होगी तो जब भी आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा धूप रहेगी। तो यहाँ से होते हैं रवाना। गाइज, अपनी ट्रेन ऑन टाइम जयपुर जंक्शन से निकल चुकी है, अब इसका नेक्स्ट स्टॉप अजमेर है, तो आपको अजमेर में मिलते हैं। बाय बाय जयपुर, फिर मिलेंगे।
सो हम आ चुके हैं अपना फर्स्ट होल्ट अजमेर जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है AII। यहाँ पर इस ट्रेन का 10 मिनट का होल्ट है। अब 10 मिनट का होल्ट किस कारण से, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे इस ट्रेन का लोको चेंज होगा। अभी तक हमारी जर्नी हो रही थी इलेक्ट्रिक लोको के साथ, जो कि इसे रिसेंटली मिला है अजमेर जंक्शन तक। अब अपनी जर्नी होगी EMD लोको के साथ, जो कि अब चेंज हो रहा है, और अपनी जर्नी अजमेर से और अहमदाबाद तक अब EMD लोको के साथ होगी। तो मैं अभी आपको स्टेशन के बारे में बता दूँ। तो यहाँ पर नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करें तो यहाँ पर 6 प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पर अभी 84 ट्रेनें आके होल्ट करती है, और 20 ट्रेनें यहाँ से ओरिजिनेट और टर्मिनेट भी होती है, और और अजमेर जंक्शन से लाइन डाइवर्ट होती है चित्तौड़गढ़ के लिए, अहमदाबाद के लिए और एक फुलेरा के लिए। तो आपको पहले लोको दिखाते हैं कि अपनी ग्वालियर अहमदाबाद स्पेशल एक्सप्रेस में कौन सा लोको ग्वालियर से आया था। तो आपको पहले लोको दिखाते हैं, तो उस साइड देखिए कौन सी ट्रेन, और ये आप देख रहे हो ये जनशताब्दी है, जो कि दिल्ली सराय रोहिल्ला के लिए जाएगी मॉर्निंग में। तो चलते हैं, पहले आपको लोको दिखाते हैं। तो गाइस अब अपने में ये WDP 4D लोकोमोटिव जॉइंट होगा, जो कि हमें अजमेर से और अहमदाबाद तक लेके जाएगा। सॉरी गाइस, बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि मतलब 1 मिनट लेट हो गए इतने लोको, मतलब डिकम्प्लीट हो गया था और आगे भी चला गया था। और मैं वैसे बता दूं कि WF7 लोकोमोटिव था ग्वालियर अहमदाबाद स्पेशल एक्सप्रेस में। मुझे काफ़ी बेकार लग रहा है कि मैं उसे कैप्चर नहीं कर पाया। वैसे मैंने आपको बता दिया है WDP 4D लोकोमोटिव लग रहा है। तो गाइस चलते हैं, आप क्या करें, अब कैप्चर नहीं कर पाए। वैसे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा यदि आप उनको आगे मिल जाए, क्योंकि अपने वो लोकोमोटिव आगे की ओर ही गया है। फिर चलते हैं यहाँ से और डिपार्चर पे मिलते हैं आपको। हम आ चुके हैं अपना दूसरा और इस ट्रेन का 8वां होल्ट व्यावर, जिसका स्टेशन कोड है BER, और व्यावर आता है राजस्थान में। और यहाँ पे नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करें तो यहाँ पे 3 प्लेटफॉर्म है, और कोविड से पहले यहाँ पे 100
वन ट्रेनें होल्ड करती थी, अभी फ़िलहाल 47 ट्रेनें आके होल्ड करती हैं। इस स्टेशन को ओपन किया था इन द ईयर 1896 में। और रही बात इलेक्ट्रिफिकेशन की, तो आपको पता है कि ब्यावर तक अभी तक इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। अब आगे का इलेक्ट्रिफिकेशन है जो भी रहा है, मतलब जो भी अधूरा इलेक्ट्रिफिकेशन रहा है अहमदाबाद के लिए, जो कि ब्यावर से आगे की ओर है। तो अब मॉर्निंग हो जाएगी और आपको ब्यावर से आगे का इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट दिखाने वाले हैं और विद डबलिंग भी दिखाने वाले हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखना है, ये मत समझना कि पीछे का इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं दिखाया तो मैं नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि पीछे कंप्लीट हो चुका है, मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, तो यहाँ से होते हैं रवाना।
तो हम आ चुके अपना तीसरा होल्ट मारवाड़ जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है MJ। यहाँ पर इस ट्रेन का 5 मिनट का स्टॉप है। और इस स्टेशन के बारे में बात करूँ तो इसे ओपन किया था इंडिया एयर 1881 में। अभी यहाँ पर 83 ट्रेन आके होल्ट करती है, और 2 ट्रेन है ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है। और बिकॉज दिस इज जंक्शन, यहाँ से लाइन डाइवर्ट होती है। अब किस जगह के लिए होती है मैं बता दूँ कि मारवाड़ जोधपुर के लिए, जो जिस पर ऑलरेडी हम जर्नी कवर कर चुके हैं। एक जाती है अजमेर अहमदाबाद लाइन, जिस पर हम आज जा रहे हैं, और एक जाती है मारवाड़ मावली लाइन, जिस पर मीटर गेज ट्रेन चलती है। तो आज की जर्नी अपना फर्स्ट पार्ट यहीं तक था। जल्द ही मिलेंगे सेकंड पार्ट में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।